पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में गत दिनों जुमे की नमाज के दौरान हुए बवाल के बाद से प्रशासन अलर्ट है। पूरी मुस्तैदी के साथ जिले में शांति व्यवस्था बनाने और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार को संपन्न कराने के लिए पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर समस्याओं का निदान किया गया। मुरादाबाद के कोतवाली, कटघर, ईदगाह, नागपनी, नवापुरा के साथ अन्य कई स्थानों पर शांति समिति की बैठक कर आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की अपील की गई। आयोजित बैठक में मौजूद गणमान्य लोगों ने समस्याओं को भी सामने रखा, जिसके निवारण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अहम बिजली विभाग रहा, जिसे ईद और सावन माह के चलते विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश मिले। बकरा ईद और कावड़ त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए थाना मुगलपुरा पर सर्किल के सभी थानों को बुलाकर और सभी संभ्रांत लोगों को बुलाकर मीटिंग कर ली गई है। इसमें इनकी जो कोई अगर कोई बात है तो वो सुनी गई है और तथा जो निर्देश प्राप्त हुए शासन से वो अवगत करा दिया गया है। मैं हम लोगों ने एक ही देने की कोशिश की, त्यौहार खुशी के हैं, शांतिपूर्वक और जो निर्देश मिले उसके अनुसार मनाने का प्रयत्न। बकरीद को लेकर के और कांवड़ को लेकर के बैठक हुई है, इन दोनों त्यौहारों को लेकर के, और जो पीस कमेटी के लोग थे और जो क्षेत्र के नागफनी के और मोगलपुरे के जो लोग थे, उन्होंने सबने एक ही सबको यही मैसेज दिया है कि कुर्बानी जो है सबसे बढ़िया वो रहेगी कि अपनी ज़िद को त्याग दे, अपनी हठ धर्मी को त्याग दे और जो भी जानवरों की कुर्बानी करें वो अपने घरों के अंदर करें, किसी की तरह सड़कों पर खुले में ना करें। बकरीद और कांवड़ को लेकर था तो उसमें यही बात तय हुई है, जो परंपरागत रोड हैं उनसे कांवड़ निकलेंगे और जो जहाँ पर कोई विवाद है कुर्बानी को लेके वो ध्यान रखें, कोई नई परंपरा न डालें। जिस तरीके से पूर्व रूप में पहले तरह कुर्बानियाँ होती चली आई हैं उसी तरीके से करें और जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी किसी भी कीमत पर ना करें। देखिए, शासन और प्रशासन लगातार सतर्कता रख रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के DGP साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा आप लोगों से निर्देश दे रहे हैं कि जनता से संवाद करिए, तो उसी के तहत आपने पुनः एक मीटिंग करी है, क्योंकि 10 जुलाई की बकरा ईद है, उसके बाद 15 तारीख से काबार शुरू हो रही है, तो इसी के तहत ऐसे सामने मीटिंग करी है और उसमें सुझाव लिए हैं। हमने ईद उल अजहा के पावन पर्व पर विद्युत की 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम त्यौहार को अच्छे तरीके से विद्युत आपूर्ति प्रदान कर सकें, सारे कर्मचारियों को समय पर लगाकर किसी भी शिकायत का निस्तारण तुरंत कराएं। और हम जो जिस समय नमाज होती है, नमाज होने के बाद जब पब्लिक निकलती है रोड पे, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ समय के लिए सप्लाई बंद करते हैं, बाकी हमारी तरफ से पूर्ण रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाती है और की जाएगी अगर उसमें कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।